हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटीज के बारे में। आगे मैं बहुत कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा, कैसे सर्किट को सिमुलेट किया जाता है प्रोटीज में, और कैसे पीसीबी को डिजाइन किया जाता है, और 3D व्यू कैसे देखा जाता है, और प्रोजेक्ट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। हर चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा। आगे मैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई सर्किट को डिजाइन करूंगा और सिमुलेट करूंगा, और पीसीबी डिजाइन करूंगा और उसको एक्सपोर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, अब मैं प्रोटीज सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। तो गाइस, येरा प्रोटीज सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। गाइस, अब मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और इधर नेम दूंगा मैं चेतन सिद्धिंग, CHETHANSHIDLING। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा। गाइस, एरा शीट, इधर मैं सर्किट को डिजाइन करके सिमुलेट करके आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगा। इधर आप देखिए पी का आइकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोग लाइब्रेरी में पहुंचोगे। उधर आप लोग कंपोनेंट्स को सर्च कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इधर आप देख सकते हो कीवर्ड्स। इधर आप लोग कंपोनेंट्स को सर्च कीजिए, जो जो कंपोनेंट्स आप लोगों को ऐड करना है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, वो कंपोनेंट्स आप लोग इधर सर्च कीजिए। मैं सर्च करूंगा इधर सबसे पहले एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इधर आप देख सकते हो साइन वेव एसी वोल्टेज सोर्स, इसको मैं ऐड करूंगा। इधर आप देख सकते हो दोस्तों, इधर ऐड हो जाएगा। फिर से मैं वापस उधर जाऊंगा और सर्च करूंगा ट्रांसफार्मर। इधर आप देखिए सिंपल ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए। फिर से मैं कंपोनेंट्स ऐड करूंगा। अब मैं सर्च करूंगा डायोड, डायोड का वैल्यू है IN4007। तो गाइस, इसको मैं ऐड करूंगा। अब मैं कैपेसिटर ऐड करूंगा, पोलराइज्ड कैपेसिटर को ऐड करूंगा, पोलराइज्ड। ठीक है गाइस, इसको मैं ऐड करूंगा। आप लोगों को पता है पोलराइज कैपेसिटर होता क्या है? इसमें पोलैरिटी मैटर होता है। अगर आप टर्मिनल्स को इंटरचेंज करोगे तो कैपेसिटर डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए इसको पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं। इसमें पोलैरिटी मैटर होता है। अगर आप नॉन पोलराइज कैपेसिटर लेते हो तो आप लोग टर्मिनल्स इंटरचेंज करके देखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटर सेफ ही रहेगा। अगर आप पोलराइज कैपेसिटर में टर्मिनल्स को इंटरचेंज करोगे तो कैपेसिटर डैमेज हो सकता है। अब मैं ऐड करूंगा और एक कैपेसिटर, ठीक है, 0.15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर मैं ऐड करूंगा। तो ये रहा वो कैपेसिटर, इसको मैं ओके करूंगा। अब मैं ऐड करूंगा IC7805। ये IC कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, 5 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगा। अब मैं सर्किट को डिजाइन करूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा AC वोल्टेज सोर्स, इसको मैं इधर प्लेस करूंगा। ठीक है, बाद में मैं लूंगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को मैं इधर प्लेस करूंगा। अब मैं लूंगा डायोड, तो एरा डायोड, मैं इधर ब्रिज रेक्टिफायर डिजाइन करूंगा। टोटल मुझे 4 डायोड्स चाहिए, एक इधर प्लेस करूंगा और एक इधर प्लेस करूंगा और इधर और इधर। ठीक है गाइस, अब मैं इस डायोड को रोटेट करूंगा, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, और इससे भी। ठीक है, अब मैं लूंगा कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर को मैं इधर प्लेस करूंगा। अब मैं इसको रोटेट करूंगा, रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं लूंगा और एक कैपेसिटर के 0.15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर मैं इधर प्लेस करूंगा और इसको रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज। अब मैं IC लूंगा 7805, इसको इधर प्लेस करूंगा, और एक कैपेसिटर लूंगा मैं 0.15 माइक्रोफेरेड का और इधर प्लेस करूंगा और इसको रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, कंपोनेंट प्लेसिंग हो चुका है। अब मैं कनेक्शन दूंगा AC वोल्टेज सोर्स से ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड को। थोड़ा जूम करूंगा, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है,
और सेकेंडरी साइड से इस डायोड को, और इधर से इधर, ठीक है, डायोड 4 का एनोड मैं डायोड 2 का एनोड के साथ कनेक्ट करूंगा, और डायोड 1 का कैथोड मैं डायोड 3 का कैथोड के साथ कनेक्ट करूंगा, और डायोड 3 का एनोड मैं डायोड 2 का कैथोड के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये रहा दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर। और इधर सेकेंडरी साइड से मैं कनेक्ट करूंगा इधर, ठीक है, और इधर से मैं कनेक्ट करूंगा इस आईसी को, और कैपेसिटर मैं इधर कनेक्ट करूंगा, और इधर से इधर कनेक्ट करूंगा, और इधर से मैं इस कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा, और इधर से इस कैपेसिटर को, इधर से इधर, इधर से इधर, और थर्ड पिन से मैं कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा। गाइस सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लूंगा एसी वोल्टमीटर एंड डीसी वोल्टमीटर। डीसी वोल्टमीटर मैं लूंगा सिर्फ, ओके, आउटपुट में वोल्टेज चेक करेंगे हम। डीसी वोल्टमीटर लेने के लिए आप लोगों को इधर जाना पड़ेगा, इधर आप लोगों को डीसी वोल्टमीटर मिलेगा, इसको मैं इधर प्लेस करूंगा, और इसे मैं आउटपुट कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है गाइस, आप लोग एसी वोल्टेज सोर्स के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, इधर एम्पलीट्यूड 230 वोल्ट्स मैं दूंगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और ट्रांसफार्मर के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, इधर आप देखिए प्राइमरी डीसी रेजिस्टेंस होना चाहिए 230 वोल्ट्स, इधर आप वोल्टेज का वैल्यू दीजिए, सेकेंडरी डीसी रेजिस्टेंस होना चाहिए 9 वोल्ट्स। अब मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। ये रहा दोस्तों सर्क्यूट ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इनपुट है 230 वोल्ट्स एसी, आउटपुट पे हमको मिलेगा 5 वोल्ट डीसी। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करके आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा। तो गाइस इधर आप देख सकते हो 5 वोल्ट, इधर आप देखिए 5.02 वोल्ट्स आउटपुट में आ रहा है। तो ये रहा दोस्तों सर्क्यूट सिमुलेशन ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इनपुट में दे रहे गाइस, इसको मैं प्लेस करूंगा सर्क्यूट को ठीक तरह से। इनपुट पे हम दे रहे 230 वोल्ट एसी, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन हो रहा है 9 वोल्ट को, ठीक है। इधर ब्रिज रेक्टिफायर है जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और इधर एक आईसी है जो कांस्टेंट 5 वोल्ट सप्लाई प्रोड्यूस करेगा आउटपुट पे। तो ये रहा दोस्तों सर्क्यूट वर्किंग। अब हम देखेंगे कैसे पीसीबी डिजाइन किया जाता है। तो पीसीबी डिजाइन करने के लिए मैं इसको पहले स्टॉप करूंगा सिमुलेशन को, ठीक है, सिमुलेशन मैंने स्टॉप किया। अब मैं इसको डिलीट करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, और ट्रांसफार्मर को मैं डिलीट करूंगा, और डीसी वोल्टमीटर को मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा। अब मैं पिन से ऐड करूंगा इनपुट एंड आउटपुट साइड। तो उसके लिए मैं इधर कंपोनेंट्स पे जाके सर्च करूंगा, इधर कीवर्ड पे मैं सर्च करूंगा पिन्स, ठीक है। इधर आप देख सकते हो 3 पिन 4 पिन 7 पिन, मुझे 2 पिन चाहिए, इधर आप देखिए 2 पिन, इसको मैं ओके करूंगा। और इधर प्राइमरी साइड इधर एक प्लेस करूंगा और एक इधर प्लेस करूंगा, ठीक है, इसको मैं रोटेट करूंगा 180 डिग्री। ठीक है, और इधर से मैं कनेक्ट करूंगा ब्रिज रेक्टिफायर को। जब आप पीसीबी डिजाइन कंप्लीट करते हो तो बाद में आप लोग बोर्ड के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो तो आप लोग ट्रांसफार्मर के आउटपुट्स को इधर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आउटपुट में अगर आप एलईडी लाइट लगाना चाहते हो या और भी बहुत सारे सर्किट को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस पिन पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं इधर कनेक्ट करूंगा और इसको मैं इधर कनेक्ट करूंगा, ठीक है गाइस। अब मैं सेव करूंगा। उससे पहले दोस्तों आप लोग प्रीव्यू देख लीजिए, ओके। इधर आप देखिए जब हम पीसीबी में कन्वर्ट करेंगे आप लोगों को ऐसे दिखेगा पिन, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, अपडेट करूंगा, और डायोड के ऊपर आप देखिए पैकेजिंग टूल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आप लोगों को डायोड ऐसे दिखेगा जब आप पीसीबी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब मैं पोलराइज कैपेसिटर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और पैकेजिंग टूल के ऊपर क्लिक करूंगा, इधर आप देखिए पोलराइज कैपेसिटर ऐसे शो होगा। अगर आपको वैल्यूज चेंज करना है 1 2 तो आप लोग इधर चेंज कर सकते हो।
अब मैं 7805 आईसी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और पैकेजिंग टूल पे जाऊंगा। इधर आप देखिए आईसी ऐसे दिखेगा पीसीबी में। आप लोग ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के प्रीव्यू देख सकते हो। अब मैं इस सर्किट को सेव करूंगा और इधर आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन है पीसीबी लेआउट, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो गाइस ये रहा लेआउट। अब मैं इधर बोर्ड एज डिजाइन करूंगा तो उसके लिए इसको सेलेक्ट कीजिए और इधर आप लोग टॉप स्किल दिखा रहा है इसके बदले आप लोग बोर्ड एज सेलेक्ट कीजिए और इधर बोर्ड एज को ड्रॉ कीजिए। तो इतना मुझे काफी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर टूल्स पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऑटो प्लेसर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। आप लोग इधर आप देखिए हर कंपोनेंट चेक है, ओके। अगर आपका कंपोनेंट अनचेक है तो आप लोग कुछ गड़बड़ कर चुके हो सर्किट डिजाइन में। आप लोग वापस सर्किट डिजाइन पे जाइए और कौन सा एरर है उसको डीबग कीजिए। इधर आप देख सकते हो सभी चेक है, तो मेरे इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है और इसको मैं ओके करूंगा। इधर आप देख सकते हो दोस्तों कंपोनेंट्स प्लेस हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करूंगा तो ये रहा LM7805 आईसी, ठीक है, और ये रहा पोलराइज कैपेसिटर, इसको मैं इधर प्लेस करूंगा। और ये रहे पिंस, इनपुट एंड आउटपुट पिंस, इसको मैं थोड़ा इधर रखूंगा, ठीक है, बाद में मैं इसको लाऊंगा इधर। ठीक है, और ये रहे डायोड्स, डायोड 4, डायोड 2, डायोड 1, डायोड 3, ठीक है। मैं अब मैं ठीक तरह से अरेंज करूंगा और ये रहे कैपेसिटर, इसको मैं इधर रखूंगा और इस कैपेसिटर को मैं इधर रखूंगा। ठीक है गाइस, अब मैं डायोड्स को ठीक तरह से अरेंज करूंगा। इस डायोड को मैं इधर ऊपर रखूंगा, इधर प्लेस करूंगा और इस डायोड को इधर और इस डायोड को इधर। आपकी मर्जी है आप लोग किधर प्लेस करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ओके। आप लोग साइज रिड्यूस कर सकते हो बोर्ड का, वो सब आपकी मर्जी है। और मैं इस कैपेसिटर को इधर प्लेस करूंगा। ठीक है, और इसको मैं रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज। सॉरी, रोटेट 180 डिग्री। अब ठीक है, और इसको थोड़ा इधर हटाऊंगा, मैं थोड़ा इधर प्लेस करूंगा और इस डायोड को भी और इससे भी डायोड 2 को भी और डायोड 3 को भी। ठीक है, अब मैं इस कैपेसिटर को भी इधर प्लेस करूंगा। और इस कैपेसिटर को मैं इधर प्लेस करूंगा। इसको मैं रोटेट करूंगा, इस कैपेसिटर को मैं रोटेट करूंगा। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इधर प्लेस करूंगा। और इस आईसी को मैं इधर प्लेस करूंगा और इस आउटपुट साइड का कैपेसिटर मैं इधर प्लेस करूंगा। ठीक है, इसको मैं रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, मुझे इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना था। ठीक है, अब ठीक है। अब मैं आउटपुट पिंस को प्लेस करूंगा।
तो एरा आउटपुट पिन इसको मैं ड्रैग करके इधर प्लेस करूंगा और एरा इनपुट साइड पिन इसको मैं ड्रैग करके ऊपर प्लेस करूंगा इधर। ठीक है, आप लोग और भी साइज रिड्यूस कर सकते हो, मैं इसको और रिड्यूस करूंगा, इस को मैं इधर प्लेस करूंगा इस कैपेसिटर को। ठीक है, और इस आईसी को मैं थोड़ा इधर लाऊंगा और इस आउटपुट पिन्स को मैं इधर प्लेस करूंगा। और एक कैपेसिटर है उसको मैं इधर प्लेस करूंगा। ठीक है गाइस, ये रहा पीसीबी डिजाइन। अब रूटिंग का काम बाकी है, इसको मैं इधर प्लेस करूंगा। ठीक है, अब मैं ऑटो रूटिंग अप्लाई करूंगा। आप लोग फिर से सर्किट देख लीजिए गाइस, ये रहा इनपुट पिन और ये रहे डायोड्स ब्रिज रेक्टिफायर और ये रहा पोलराइज कैपेसिटर और ये दो 0.15 माइक्रो फैरेड्स के कैपेसिटर और ये रहा IC7805 और ये रहा आउटपुट पिन। अब मैं ऑटो रूटिंग अप्लाई करूंगा। ठीक है, इधर आप देख सकते हो ऑप्शन ऑटो रूटर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और बाद में बिगिन ऑटो रूटिंग के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो वैसे इधर आप देख सकते हो डिजाइन हो रहा है, तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को 3D व्यू बताऊंगा कैसे पीसीबी में ये सर्किट दिखेगा। तो उसके लिए आप लोग इधर आप ऑप्शन देख सकते हो 3D विजुअलाइजर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। गाइस इधर आप देख सकते हो 3D व्यू ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। आप लोग इस नेम को डिलीट कर सकते हो। ओके, C3, C2, C1 डायोड्स के नेम्स को डिलीट कर सकते हो। ये रहा इनपुट पिन और ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर और ये पोलराइज कैपेसिटर और ये दो 0.15 माइक्रो फैरेड्स के कैपेसिटर और ये IC7805 और ये आउटपुट पिन। इधर आप लोग आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो। ट्रांसफार्मर को आप लोग इस पिन को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, आप लोगों को बैक साइड भी दिखाऊंगा, फिर आप देख सकते हो दोस्तों रूटिंग। ठीक है गाइस, इसी तरह से प्रोटीज में आप लोग सर्किट को डिजाइन करके सिमुलेट करके आउटपुट को देख सकते हो और आप लोग पीसीबी भी डिजाइन कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को इधर ऑप्शन मिलेगा आउटपुट, इसमें आपको मिलेगा एक्सपोर्ट ग्राफिक्स, इधर आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग पीडीएफ फाइल का ऑप्शन है, अगर आपको एसवीजी फाइल डाउनलोड करना है तो आप लोग ये एक्सपोर्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको इधर मिलेंगे। फिलहाल मैं पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। गाइस इधर आप देख सकते हो लेयर्स, टॉप कॉपर, बॉटम कॉपर, टॉप स्किल्स, मैक वन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप कॉपर होता क्या, बॉटम कॉपर होता क्या, टॉप स्किल होता क्या है। गाइस अगर आपको टॉप लेयर रखना है, इधर आप देखिए रेड कलर में जो रूट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये टॉप कॉपर है। अब इसको मैं कैंसिल करके आप लोगों को 3D में दिखाऊंगा। इधर आप देखिए दोस्तों जो रूट्स आप लोगों को इधर दिख रहे हैं टॉप में, ये टॉप कॉपर है, और इसके पीछे जो रूट्स दिख रहे हैं ना, ये बॉटम कॉपर है, और इधर आप देखिए जो येल्लो कलर में है ना, ये टॉप स्किल है। ठीक है, अब मैं वापस पीसीबी डिजाइन पे आऊंगा और एक्सपोर्ट करूंगा। आप लोगों को दो बार पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, एक टॉप कॉपर के लिए और एक बॉटम कॉपर के लिए। अब मैं एक्सपोर्ट ग्राफिक्स पे आऊंगा और पीडीएफ फाइल पे आऊंगा। इधर मैं बॉटम कॉपर को और इसको अनचेक करूंगा और ओके करूंगा। इधर आप देख सकते हो दोस्तों टॉप कॉपर का पीडीएफ। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करूंगा और फिर से एक्सपोर्ट करूंगा। अब मैं टॉप कॉपर को अनचेक करूंगा और इसको अनचेक करूंगा। ठीक है, इस बार मैं रखूंगा बॉटम कॉपर। तो गाइस इधर आप देख सकते हो डिजाइन। तो आप लोगों को दो पीडीएफ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक टॉप कॉपर का और एक बॉटम कॉपर का।
गाइस ये रहा दोस्तों कैसे पीसीबी को डिजाइन किया जाता है प्रोटीस में और कैसे सर्किट को डिजाइन करके सिमुलेट किया जाता है, हर कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।